मौजूद हूँ ई ब्लॉक श्री साईं धाम मंदिर के दोई नगर कानपुर से। आज हमारे पीछे जो यहाँ पे साईं दरबार जमा जैसे पीछे जहाँ पे आज फूलों की होली मनाई जा रही है, उसमें आज यहाँ की जनता गण मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं इस साईं दरबार के बारे में और उनके प्रति क्या बाबा की आस्था है उसके बारे में। जी माता जी, आपका शुभ नाम? मैं अर्चना सत्येंद्र गुप्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका हूँ इस समय वर्तमान में, और मंदिर प्रांगण से बहुत समय से जुड़ी हूँ। जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें भी मैं अभी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, और आज के सभी भक्तों को मेरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं है, और इसी तरह हम रंगारंग होली फूलों की मनाते रहे ऐसी शुभकामनाएं। जैसा कि आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी का आगमन हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर ही रही है, और मुझे लगता है आगामी सत्र में भी उसी का आना तय है। माफियाओं के ऊपर और हर एक मतलब महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यो तो महंगाई के डंके तो हर समय चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, पर लेकिन इस सरकार ने जो सुरक्षा प्रदान की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आम आदमी भी बहुत खुश है। ऐसा कि हमारे साथ जुड़ी थी नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मैडम आप हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला वीडियो जर्नलिस्ट सारा रस्तोगी जी के साथ किदवई नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो हमारे साथ इतने समय यहाँ की जनता मौजूद है ई ब्लॉक श्री साईं धाम मंदिर के, आइए हम उनसे जानते हैं इस विशाल होली उत्सव के बारे में और इस साईं दरबार के बारे में, क्योंकि साईं दरबार से काफ़ी ज़्यादा भैया लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था, छोटे से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भैया लोग निरंतर क्रम से बृहस्पतिवार को जो यहाँ पे साईं बाबा का दिन होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। आइए जानते हैं इस साईं दरबार के बारे में। हाँ तो भैया, पहले तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंगल पांडे। इस साईं दरबार की क्या मानता है जो जहाँ पे आज हजारों की संख्या में लोग पधार रहे हैं होली उत्सव? बाबा के दरबार में मान्यता यह है कि भैया जो परेशान अपने दुख रोते हुए लोग आते थे, बाबा के दरबार पे आने के बाद उनके दुख दूर हो जाते थे, उनकी मनोकामना सभी पूर्ण हो जाती थी। इसीलिए बाबा के दरबार पे आने से लोगों को अपने सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, इसीलिए बाबा के दरबार से लोग आते हैं। और आप तो यहाँ पे निरंतर क्रम से काफ़ी ज़्यादा सालों से यहाँ पे सेवा पे लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जनता का भरोसा आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी का यहाँ पे आगमन हुआ, उसके उपलक्ष्य आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत छोटे से बाबा की सेवा में लगा हूँ और काफ़ी समय से बाबा की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री जो राकेश सचान जी आए हैं बाबा दरबार पे आए हैं, तो सबको बड़ी एक खुशी की अनुभूति प्राप्त हुई है। और आज होली का पावन पर्व है, जिस चक्कर में राकेश सचान बाबा दरबार में होली खेलने आए थे और उन्हीं के साथ होली खेलते सभी लोगों को बड़ी खुशियाँ मिली हैं। मैं अपने सभी शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को और भारत के वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के लिए होली मंगलमय हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ की जनता जुड़ी थी, जहाँ पे इन्होंने ये ई ब्लॉक श्री साईं धाम मंदिर जो हमारे जस्ट पीछे जो बाबा की आप मूर्ति देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा व्याख्या करी थी इन्होंने, तो जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जो साईं दरबार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये विख्यात मंदिर है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी भक्त आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला वीडियो आ रहा है दसों के साथ किदवई नगर कानपुर उत्तर प्रदेश।